पीलीभीत के पुरमपुर तहसील में मुस्लिम समाज के जुलूस ए गोसिया के दौरान राष्ट्रीय ध्वज अपमान का मामला सामने आया है। आपको बताते चले, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जहां तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह मुस्लिम समाज का चित्र लगा हुआ है। जिले भर में हिंदू संगठन के अफरा तफरा मची हुई है। लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का मामला बताया है। आप देख सकते हैं प्राइम डे की न्यूज चैनल के लिए पीलीभीत से धर्मेंद्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। गोसिया में तिरंगे झंडे पे एक मस्जिद का जो है फिगर बना हुआ है, उसके संदर्भ में इन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें जो भी बनेगा जिसके आधार विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये था, 19 तारीख को जिला पीलीभीत जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में जुलूस ए गौसिया के दौरान कुछ अराजकता तत्व और पूरे जुलूस था उसमें भारत ध्वज के पर मस्जिद बनाकर भारत का जो ध्वज है उस पर अपमान किया गया। उसके विरुद्ध पूरा भारत में रह रहे नागरिक और जिले के सब सम्मानित लोगों ने एक ज्ञापन दिया जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को। उसमें हमने कार्रवाई की मांग की है कि तत्काल जो जुलूस का जो आयोजक है उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे इस तरीके के कोई भी जुलूस या रैली हिंदू धर्म की निकले या मुस्लिम समुदाय की, उसमें पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी और भी कई अधिकारी रहते हैं, उनके संदिग्ध में निकलता है। उन लोगों ने क्यों नहीं चित पे देखा गया कि तुरंत के तुरंत उसको रोक कर तुरंत आने से लगानी चाहिए थी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। आज हम लोग इस जहाँ पे एकत्र नहीं होते अगर ऐसे काम हमारा प्रशासन द्वारा किया गया होता तो। और जैसा कि वीडियो में देखा गया, प्रशासन उस वीडियो में साफ दिख रहा है जुलूस के साथ साथ। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में जो पूरनपुर में जुलूस ए गौसिया के निकालते समय किया गया था, उस संबंध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक श्री बालेंद्र भूषण सिंह को पत्र दिया है। उसमें तत्काल उन्होंने आदेशित करके मुकदमा लिखने के आदेश कर दिए हैं और किसी भी राष्ट्र विरोधी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी के होते हुए योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं होने दी जाएंगी। हम लोगों के जैसे ही संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई कराई। जल्द से जल्द उन सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखाया जाएगा, उनको जेल भिजवाया जाएगा।